और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूपी में अवैध धर्मांतरण के केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के ऋषभ मणि त्रिपाठी की ये खबर है कि एटीएस की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में करीब 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं के नाम भी शामिल हैं। तो उमर गौतम की संस्था पर भी बड़ा आरोप यहां पर लगाए कि किस तरह से हवाला के जरिए धर्मांतरण को लेकर करोड़ों रुपए की फंडिंग वहां पर चल रही थी। धर्मांतरण का यह मुद्दा है जिसके लेकर यह बड़ा खुलासा यहां पर हुआ चार्जशीट में। विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया गया, 150 करोड़ की फंडिंग का आरोप यहां पर लगाया गया है। अवैध धर्मांतरण मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें 150 करोड़ की फंडिंग का आरोप लगाया गया है। यूएस, यूके, खाड़ी के देशों से लगातार इन लोगों को वहां पर फंडिंग दी जा रही थी। मौलाना कलीम की संस्था पर भी बड़े आरोप लगे हुए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं हमारे सहयोगी ऋषभ का। ऋषभ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, चार्जशीट में बड़े आरोप लगे हैं? देखिए, बीते कुछ समय से यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है अवैध धर्मांतरण के खिलाफ। बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा है। 16 आरोपी अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हाल ही में जो चार्जशीट दाखिल की गई उस चार्जशीट में यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि अवैध धर्मांतरण के इस पूरे सिंडिकेट को ब्रिटेन, यूके, खाड़ी देशों से लगातार फंडिंग हो रही है। ब्रिटेन के अल्फाला ट्रस्ट ने 57 करोड़ रुपए दिए हैं। उमर गौतम का जो ट्रस्ट है, इस्लामिक दावा फाउंडेशन उसको बोलते हैं, और इंडियन पीस सेंटर जो ट्रस्ट है मौलाना कलीम सिद्दीकी का, उसको 22 करोड़ रुपए दिए हैं। और लगातार ये गिनती बढ़ती जा रही है। एक नंबर से भी कुछ रकम मिली है और कुछ रकम हवाला के जरिए आई है, तो उसका भी लगातार यूपी एटीएस खुलासा करती चली जा रही है। और ये बता रही है कि ये बाकायदा प्लानिंग करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। देश का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश। बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, बड़ी साजिश यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं, यूएस, यूके, खाड़ी देशों, तमाम देशों से धर्मांतरण के सिंडिकेट को चलाने के लिए बड़ी फंडिंग वहां पर चल रही थी। ऋषभ, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से खुलासे हुए हैं, नोएडा में भी अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। जी हाँ, जो मौलाना कलीम को रकम दी गई है, यूपीएचएस के सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि उस रकम से मौलाना कलीम सिद्दीकी ने नोएडा में कई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जमीन खरीदी हैं। वहां पर कोई एक बड़ा सेंटर भी वो बनाना चाह रहा था, जहां पर तरबियत एक इंतहा टर्म इस्तेमाल होता है, जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं वो तरबियत करते हैं तमाम और धर्म के लोगों को जो गैर इस्लामिक हैं उनको वहां बुलाया जाता है, उन और जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं वो बाकायदा सेशन लेते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखिए मैं फला धर्म से आया हूँ, मेरा फलाना प्रोफाइल था, मैं इतने रईस घर का था, मैं पढ़ा लिखा था। जैसा मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में खुद बताते हैं कि उसका MBBS में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसकी मेडिकल की पढ़ाई ऑप्ट नहीं की और वो धार्मिक पढ़ाई उसने की, और उसके बाद से वो खुद अपने आप को एज एन एग्जाम्पल सेट करता था। ऐसे ही उमर गौतम भी एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है, तो ऐसे लोगों को इकट्ठा दिया जाता है और वो फिर लोगों को प्रीटिंग्स देते हैं। शुक्रिया ऋषभ तमाम जानकारी के लिए।